हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वैसे तो गुड आफ्टरनून, 2 बज रहे हैं दिन के, 2 सवा 2 हो रहे हैं। कल तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कल अच्छा खासा रात परसों रात से तबीयत ख़राब हो गई थी। कल निकला ऑफ़िस के लिए, पहुँच के और हालत ख़राब हो गई। कल दिन भर ऑफ़िस में बैठा रहा ऐसे बुखार में। अब हुआ क्या, थोड़ा शाम तक ठीक भी हुआ था। कल तो रात को ऑफ़िस से आते आते पूरा गुड़गांव में पूरा बारिश स्टार्ट हो गया था। गुड़गांव दिल्ली में भी बारिश रहा, फिर तो भीग गया रात को 11-12 बजे के आसपास बारिश में, और तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद पूरी रात भर बुखार चढ़ा है, पैर में दर्द हो रहा है। अब जाके थोड़ा सा उठा हूँ। अब मम्मी ने रात को भी दवाई दी थी और अभी भी दवाई खाई है। अभी देखते हैं, अभी अगर सही नहीं रहा तो फिर डॉक्टर को दिखाएंगे कि शरीर काफ़ी टूट रहा है। मैंने सोचा था कि व्लॉग बनाऊंगा, इस बार वीक ऑफ ऐसे दिन लेना था मुझे, या छुट्टी ऐसे दिन लेनी थी कि मेरा प्लान था कि चांदनी चौक जाएंगे। लेकिन अब आज छुट्टी लेनी पड़े सडनली ऑफिस की भी। अब ऑफिस में भी काम इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा वो मूवमेंट वगैरह का सीन चल रहा है वहाँ पे भी। तो चलो कोई बात नहीं। अब मम्मी मैगी बनाने गई है कि थोड़ा सा शायद गले में वो थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा उसके सूप सूप से, उसका गर्म गर्म पीने से। अभी खाऊंगा, उसके बाद दवाई खाऊंगा, उसके बाद या तो टीवी देखूंगा क्योंकि थोड़ा सा ना मतलब ऐसा लग रहा है शरीर भी थोड़ा डाउन डाउन लग रहा है। तो अभी टीवी देखेंगे थोड़ी देर, तो शायद रिलैक्सेशन सा मिले। सो गाइस, मैगी आ चुकी है, सूपी मैगी बनवाई है जिससे थोड़ा सा गले को ठंड वो मिलेगा, थोड़ी गर्माहट मिलेगी तो अच्छा सा लगेगा थोड़ा सा खाने में। अब थोड़ा सा मैगी खा कर रेस्ट करूँगा आज पूरा दिन, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही रहा था, भीगने के कारण से हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आज जहाँ तक दिन में रेस्ट ही रहेगा, कहीं जाऊँगा नहीं बाहर, क्योंकि ऑफ़िस भी जाना ज़रूरी था, ऑफ़िस नहीं जा पाया, वहाँ का भी देखना है। अब कल फिर ऑफ़िस जाएंगे। गाइस, बज रहे हैं शाम के 4:30 अप्रॉक्स। थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है, थोड़ा सा हाँ रिलैक्सेशन सा फील हुआ है। अभी बिल्कुल तो ठीक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लग रहा है कि अब थोड़ा सा फ़र्क है। तो सोचा थोड़ा सा मूवी देख लूँ, टीवी चालू किया थोड़ा सा मूवी देखने के लिए, थोड़ा सा चलो रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा। अगर तबीयत ठीक रही तो शाम को थोड़ा सा देखते हैं, बाहर चलेंगे मार्केट में, आपको दिखाएंगे। अब शाम के बज रहे हैं अप्रोक्स 8, 8:30। सुबह से तबीयत ख़राब थी, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो मन थोड़ा सा मचला सा रहा था तो बाहर गया था, थोड़ा सा बाहर से चिल्ली पोटैटो लाए थे, कपड़े भी लेने गया था असल में, और चिल्ली पोटैटो लाए बेसिकली। चिल्ली पोटैटो यार, चिल्ली पोटैटो खाए तो हैं, चिल्ली पोटैटो खा रहा था लेकिन ना टेस्ट नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। चिल्ली पोटैटो का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लग रहा, पता नहीं कैसा सा लग रहा है। अब देखता हूँ, वरना डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मतलब इतने स्पाइसी हैं ये, लोगों के मम्मी खा रही हैं, लवली खा रही है, उनको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मिर्चे मिर्चे तीखा ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि मेरे को कुछ पता नहीं चला, मैं खाई जा रहा हूँ, कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो देखते हैं। अभी कपड़े लाया था, कुछ कपड़े दिखाऊँगा अभी आपको पहन पहन के। सारे लाया था कि मैं कपड़े लेके आने, मेरे को एक्चुअली मेरे पास फॉर्मल ड्रेस नहीं थी, तो एक्चुअली मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मम्मी जाके लेके आई हैं फॉर्मल। ये शर्ट लाई है और ये ब्लैक पैंट, तो कल पहनूंगा, फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस, एंड करते हैं आज का व्लॉग। आज कुछ ज़्यादा था नहीं, तबीयत ठीक ना होने के कारण ज़्यादा कहीं गया भी नहीं। मिलते हैं अगले अगले ब्लॉग में। सी यू गाइस।